गाइस, आज हम लोग बना रहे हैं सिंपल चिकन। इसके लिए चाहिए मैंने इसमें इसका पेस्ट बना लिया है, पुदीना और हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का। उसके लिए चाहिए हमें दलदली धनिया, लेमन और चिकन। इस तरह कट लगा लिए ताकि अंदर तक इसका जो मसाला है वो अंदर तक चला जाए, ये फीका ना रह जाए। अब इसको मिक्स करना है, 20 मिनट के लिए रख देना है, उसके बाद इसको फ्राई करना है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 20 मिनट के लिए, उसके बाद इसको जब फ्राई करूँगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। देखना इसका मसाला कितना अच्छा बन गया है। मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी मैदा और बेसन, क्योंकि इसका जो मसाला है वो गिर ना जाए, इसलिए ये मैंने 4 चम्मच इसमें बेसन और मैदा की डाल ली है। अब मैंने लिया है चिली गार्लिक केचप, ये मैंने अपने अंदाजे से डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स करने लगी हूँ। ये देखना इसके साथ मसाला भी चिपक गया और ये मिक्स भी हो गया। ऑयल मेरा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखो इसका मसाला है जो है इसके साथ ही चिपक गया। हल्की आंच पर बनाना है इसको, नहीं तो ये पकेगा नहीं, अंदर से कच्चा रह जाएगा। चिकन मेरा तल चुका है अभी, अब मैं निकालूंगी इसको 1 मिनट के बाद ही। इसको निकाल रही हूँ, अब मैंने इसको निकाल लिया है। ये देखो कितना प्यारा बना है, अब ये तैयार हो गया है। इसको चिली गार्लिक केचप के साथ ये बहुत मज़े का बना है, आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करें। ये मेरे घर वालों को बहुत पसंद है ये वाला फ्राई, वो आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।